Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about a present, past, future, perfect, continuous tense. Tino tenses main aapko ek saath samjhane ki koshish kar raha hu, and I hope that you can understand very easily. Aap aasani se isse samajh sakte hain. Isme dekhiye present, perfect, continuous tense mein I, we, you, they ke saath have been plus ing use karna hai. He, she, it aur singular noun ke saath mein has been plus ing use karein. ऐसा समझने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज किया है. आप यहां देखिए लिखा है आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग का मतलब होता है मैं पढ़ा रहा हूं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया है एम का यूज करना है. लेकिन सिर्फ एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर मैं समय नहीं बता रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कितने समय से पढ़ा रहा हूं ये नहीं. सिर्फ सिंपल सेंटेंस है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं. लेकिन यदि आपको बोलना है कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आप जो भी यूज करना चाहते हैं, इसमें समय बताना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको एम की जगह पर हैव बीन का यूज करना होगा. याद रखें इस बात को, एम प्लस आईएनजी रहा हूं के लिए, और अगर समय बताना है तो फिर वहां एम का यूज ना करते हुए आप हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज करें. मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, और मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स. यहां पर समय नहीं बताया है इसलिए एम का यूज करना है, और अगर समय बता रहे हैं आप यहां पर 10 साल, इसलिए हैव बीन का यूज करें. यहां पर I have been teaching for 10 years. मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ. For का मतलब के लिए होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर for का मतलब से आएगा. मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ. इसमें एक वर्ड और है since. दोनों में का कहाँ यूज होता है ये मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ. I have been teaching since 2007. आप for भी यूज कर सकते हैं, since भी यूज कर सकते हैं, समय बताने के लिए कि आप कितने समय से वो काम को लगातार कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो काम लगातार चल रहा है. यहां पर आप देख सकते हैं फॉर, जहां आपको समय अवधि बताना हो तो फॉर का प्रयोग करें. जहां पर आप समय बता रहे हैं कि कितने सालों से काम कर रहे हैं आप, जहां नंबर्स आ रहे हैं जैसे 10 साल, 5 साल, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ टाइम इफ यू हैव टू मेंशन आपको बताना है तो आप उसमें फॉर का यूज करें. और सिंस का यूज होता है जहां आपको शुरुआत बताना हो तो वहां सिंस का प्रयोग करें. जहां से आप काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए सिंस का यूज करें. जैसे यहां देख सकते हैं मैंने समय बताया है 10 साल से पढ़ा रहा हूं. सिंस का यूज होता है जहां पर आप काम की शुरुआत बता रहे हैं कि मैंने 2007 से इस काम को करना शुरू किया है. इट्स वेरी सिंपल, आप इसे ध्यान रखें. सिंस जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं, और आप अगर समय बताना चाहते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन आप फॉर का यूज करें. फॉर और सिंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमेशा ध्यान रखिए. आप मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, समय बताना है तो हैव बीन टीचिंग, और इसमें सिंस फॉर लगा दीजिए, इसमें सिंस लगा दीजिए यहाँ पर समय के साथ में. ही और शी के उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको. यहाँ हैव की जगह मैंने आपको बताया ही और शी, इट के सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज का यूज करते हैं. यहाँ ही इज वर्किंग मतलब वह काम कर रहा है, इसमें समय नहीं बताया है, वह काम कर रहा है. ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर समय बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप हैव बीन का यूज करें. वह 2 घंटे से काम कर रहा है. He has been working since 10 AM. यहाँ पर हम शुरुआत बता रहे हैं इसलिए since का यूज कर रहा है. वो 2 बजे से 10 बजे से काम कर रहा है. समय बताना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन फॉर का यूज करना है, और since जहां से काम की शुरुआत हुई है. Have been, has been, टाइम नहीं बताया है, टाइम बताना है तो have been का यूज करें, इसमें has been का यूज करें. मैंने और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, आप स्लाइड को रोक कर इसे नोट डाउन कर लें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको ये बहुत मदद करेंगे रूल्स टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं इसमें, क्वेश्चन से पहले मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ. अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया है इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए. आई एम नॉट टीचिंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ. इसमें ध्यान रखिए पहली हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर हैव के बाद में नॉट लगाइए, बीन के बाद नहीं लगाना है. हैव नॉट बीन, इसमें आ जाएगा हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रहा है. नॉट लगा दिया है तो वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है. सादा सेंटेंस एंड टाइम बताना है तो हैज बीन, हैव बीन नेगेटिव लगाना है, नॉट नेगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज कर दें दोनों के बीच में, हैव बीन के बीच में या पहली हैव के बाद में. इसमें क्वेश्चन बनाना चाहते हैं वही आई वी यू दे के साथ हैव बीन ही लगेगा, और ही शीट के साथ हैज बीन लगेगा. इसमें यहाँ क्वेश्चन देखिए मैंने कुछ बनाया है, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो. सिंस का मतलब होता है से, व्हेन यानी कब, कब से, तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो.
आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, या आप बोल सकते हैं सिंस जनवरी, 2 महीने से सीख रहा हूँ. आप समय एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं तो फॉर का यूज करें, और जनवरी से शुरू कर रहे हैं, जनवरी से आपने उस काम की शुरुआत करी है तो आप सिंस का यूज कर सकते हैं. सो सिंपल, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 महीने से सीख रहा हूँ या जनवरी से सीख रहा हूँ. सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन महू, आप महू में कब से रह रहे हैं, या जो भी शहर है आप वहां नाम लगा सकते हैं. आई हैव बीन लिविंग इन महू फॉर 10 years, मैं 10 सालों से महू में रह रहा हूँ, 4 साल से, 3 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, कुछ भी आप इसमें समय लगा सकते हैं. सिंस 2015, मैं 2015 से महू में रह रहा हूँ. सिंस बर्थ, यानी जन्म से मैं महू में रह रहा हूँ. क्वेश्चन सिंस व्हेन से ही आप बनाइए, हैव बीन से क्वेश्चन बनेगा और हैव बीन में ही आपको आंसर देना है. अगर हम लड़का और लड़की की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन फिर हैज बनाएगा और आंसर में भी हैज बीन हो जाएगी. सिंस व्हेन हैज ही, लड़की है तो शी, बीन वर्किंग, वह कब से काम कर रहा है या रही है. ही का जवाब ही में दीजिए, शी का जवाब शी में दीजिए. ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से काम कर रहा है. या आपको स्टार्टिंग बताना है तो इसमें सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, या सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से. शुरुआत बताना है तो सिंस लगाएं, और पीरियड ऑफ टाइम बताना है तो फिर आप उसमें फॉर का यूज करें. हैव बीन का जवाब हैव बीन में, हैज बीन का जवाब हैज बीन में दीजिए. सिंस व्हेन लगाकर आप इसमें क्वेश्चन बनाइए, कब से. इसमें आप चेंज कर लीजिए, आप ये स्लाइड को रोकें और इसे नोट डाउन कर लें, कॉपी में लिख लें, और इसके बाद अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, और इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करें. ये ज्यादातर यूज होता है हमारी रेगुलर लाइफ में. सिंस व्हेन हैव यू बीन वॉकिंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग कंप्यूटर, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्लीपिंग, तुम कब से सो रहे हो. इन दिस मैनर यू कैन मेक द सेंटेंसेस हैव बीन और हैज बीन. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी के साथ में हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज करना है. इसमें भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बोला था आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, इसमें समय नहीं बताया इसलिए वाज लगाना, और अगर समय बताना है तो फिर आप यहाँ पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज करें. आई हैड बीन टीचिंग फॉर 4 hours, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था. स्टार्टिंग पीरियड बताना है, स्टार्टिंग बताना है आपको कहां से काम करना शुरू किया था, तो हैड बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, मैंने 8 बजे से पढ़ाना शुरू किया था. पास्ट टेंस में ये बता रहे हैं हम लोग था. प्रेजेंट में हैव बीन और हैज बीन, पास्ट में सिर्फ हैड बीन यूज करना है आपको. ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, सिंपल. इसमें समय नहीं बताया, समय बताना है तो ही हैड बीन वर्किंग फॉर 10 years, वो 10 सालों से काम कर रहा था. ही हैड बीन वर्किंग सिंस 2007, स्टार्टिंग पॉइंट है 2007 से वह काम कर रहा था. इसमें रहा था का आवाज आएगा, उसमें रहा ही का आवाज आएगा. हैड बीन दोनों के लिए यूज करना है. ये वही सेम चीज मैंने यहाँ पर जो पिछले स्लाइड में बताया था, फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कीजिए, और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए यूज करना है. अगर नेगेटिव बनाना है, वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, हैड के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा यहाँ पर. इट्स वेरी सिंपल. क्वेश्चन बनाना है तो हेड को उठाकर आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्वेश्चन में आगे चला जाता है, आप हेड को उठाकर आगे रख दीजिए, इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हैं. हैड ही बीन वर्किंग फॉर 10 years, क्या वह 10 सालों से काम कर रहा था, या सिंस व्हेन हैड ही बीन वर्किंग, वह कितने सालों से काम कर रहा था. जो यहाँ पर मैंने सिंस व्हेन हैव यू बीन, यहाँ पर हो जाएगा हैव की जगह हैड लगा दीजिए, आप ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो काम भविष्य में चलता रहेगा, जो भविष्य में आप काम करते रहेंगे, उसके लिए विल हैव बीन का यूज करना है. कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म पे ही यूज करना है. आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years, मैं 10 साल तक काम करता रहूंगा, भविष्य में जो काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा. यू विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours, आप 2 घंटे तक दौड़ते रहेंगे. दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे तक बातें करते रहेंगे. वे 2 घंटे तक बातें करते रहेंगे. वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, हम 2 महीने तक अंग्रेजी सीखते रहेंगे, जो काम भविष्य में भी चलता रहेगा. ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे तक पढ़ता रहेगा. शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस 6 o'clock, 6 बजे से वह खाना बनाती रहेगी. 6 बजे से मतलब काम की शुरुआत हो रही है, तो उसमें मैंने आपको बताया सिंस का यूज करना. 6 बजे से वह खाना बनाती रहेगी. रवि विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, रवि तुम्हारा 7 बजे से इंतजार करता रहेगा, भविष्य में जो काम चलता रहेगा उसके लिए. समय बताना है तो फॉर और सिंस का यूज करें, जो मैंने आपको बताया है पिछली स्लाइड में. आई होप दिस ऑल 3 टेंसेस आर क्लियर टू यू. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैव बीन, हैज बीन,
नेगेटिव बनाना है, हैव और हैज के बाद में नॉट लगा दीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज करना है, फ्यूचर में विल हैव बीन का यूज करना है। आई होप दिस थ्री टेंसेस आर क्लियर टू यू, एंड यू एंजॉयड दिस चैप्टर। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे पढ़ाएं। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।